मायसेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो प्रैक्टिकल करने बता रही हूँ वो है हमारा टू आइसोलेट वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम फूड ड्रग। तो ये जो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को आपको किस तरीके से अपने लैब में परफॉर्म करना है या किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, आज हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग अपना जो वोलेटाइल ऑयल है उसको किस तरीके से हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना सैंपल चूज करना है। सैंपल चूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको क्रूड ड्रग लेना है। क्रूड ड्रग आपका कोई भी हो सकता है। क्रूड ड्रग के लिए आप लोग यहाँ पे क्लोव को ले सकते हैं, राइट, या फिर आप इसमें नीम ले सकते हैं, यूकेलिप्टस, या फिर आप लोग इसमें रोज पेटल, आप लोग कोई भी प्लांट ले सकते हैं, कोई भी कंटेन ले सकते हैं, कोई भी पार्ट ले सकते हैं अपने प्लांट का। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि वो जो पार्ट है वो पार्ट के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वोलेटाइल प्रिंसिपल। मीन्स इन सब के अंदर वोलेटाइल प्रिंसिपल होना चाहिए, राइट, तभी तो हम लोग वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट आउट कर सकेंगे। तो अब हमको यहाँ पे आइसोलेट करने के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले अब आपको मैं वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ कि वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो एक स्पेशल टाइप के एपरेटस के अंदर सेपरेट आउट होता है। तो उस एपरेटस का नाम है एपरेटस का जो नाम है वो है क्लीवेंजर एपरेटस। ये जो क्लीवेंजर एपरेटस है, इस एपरेटस की हेल्प से हम लोग जो वोलेटाइल ऑयल है उसको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। तो मैं आपको अभी जो एपरेटस दिखाने जा रही हूँ वो हमारा ग्लास का बना हुआ रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्लीवेंजर एपरेटस है वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्लीवेंजर एपरेटस होता है। इस क्लीवेंजर एपरेटस के अंदर आपको ये जो पूरा एपरेटस है इसको हम लोग क्लीवेंजर एपरेटस बोलते हैं। इस एपरेटस के अंदर यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये एक नॉब लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे ये जो पूरा है ये एक ग्रेजुएट हमारा स्केल यहाँ पे बना हुआ रहता है। ये पूरा हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं किस में, एक कॉनिकल फ्लास्क में। तो यहाँ से ये नॉब गया हुआ है, ये पूरा नॉब, ये जो हमारा यहाँ पे नॉब जो दिख रहा है, इस नॉब को हम लोग अपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अटैच करते हैं। जब हम लोग इस नॉब को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अटैच करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो भी वोलेटाइल ऑयल है वो यहाँ से ऊपर चढ़ता है और ये जो हम लोग की हमारी पाइप दिख रही है यहाँ पे आके वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये जो पूरा असेंबली आपको दिख रहा है, ये पूरी असेंबली जो होती है, ये असेंबली को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेंजर एपरेटस बोलते हैं। तो ये असेंबली जो है इसकी हेल्प से हम लोग वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट आउट करते हैं। तो ब्लैकबोर्ड में इसका हम लोग प्रोसीजर देखेंगे किस तरीके से ये पूरा ऑपरेट होता है। तो इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है कि अब अपने जो क्लीवेंजर एपरेटस है उसको हमको ड्रॉ करना है, जो अभी आपने देखा। तो अब हम लोग को क्या करेंगे कि जो हमारा क्लीवेंजर एपरेटस हम लोग अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये पाइप होता है, ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा पाइप जाता है, ये पाइप जो है वो अटैच होता है एक दूसरे पाइप से जो कि कॉनिकल फ्लास्क के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसको मैं बता रही थी आपको कि वो किससे जुड़ा होगा, कॉनिकल से। और ये जो ग्रेजुएट यहाँ पे जो स्केल बना है वो ये होता है, और यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ रहता है,
इस नॉब की हेल्प से हम लोग, ये नॉब है, तो अब आप देखिए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये पूरा जो है ये हमारा क्लेविंजर एपरेटस है। ये हमारा क्लेविंजर एपरेटस है। अब हमको क्या करना है, जो भी हमने कूट रख ले रखा है, ठीक है, ये कूट रख अगर हमने यूकेलिप्टस लिया है, यूकेलिप्टस हमने देखा है यूकेलिप्टस का पेड़, तो हम लोग ये यूकेलिप्टस की लीव्स लेंगे, ठीक है, हम लोग इसकी लीव्स ले लेंगे, लीव्स को इसके अंदर डाल देंगे, राइट। यहाँ पे क्या है, लीव्स है, ये लीव्स है, ये क्या है हमारा कोनिकल, ये कोनिकल है। इस कोनिकल को हमने क्या किया, लीव्स है इसके अंदर, इस कोनिकल के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट को डालेंगे। सॉल्वेंट आप कोई भी ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वाटर ले रहे हैं, तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, वाटर सॉल्वेंट, तो हम लोग यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट को यहाँ पे ले लेंगे। तो अब हमको क्या करना है कि जो ये हमारा कॉनिकल है, इस कॉनिकल के अंदर हमने क्या किया, लीव्स को लिया, उसके अंदर हमने वाटर सॉल्वेंट को डाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इस कॉनिकल को अटैच करेंगे हमारे क्लेविंजर एपरेटस के एक पॉइंट से। तो यहाँ पे जो एपरेटस का जो पॉइंट है, हमने यहाँ से उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट जो होगा हमारा, ये हमारा किसके कौन से साइड वाले पोर्शन में होगा, हमारे क्लेविंजर वाले पोर्शन में होगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ पे हमारा कंडेंसर लगा हुआ रहता है, जो कि वेपर्स को कंडेंस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कंडेंसर, कंडेंसर। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि जो आपने वाटर और ड्रग ले रखा है, तो यहाँ पे वाटर और जो ड्रग है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर और ड्रग को यहाँ पे हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ हीटिंग मेंटल या फिर फ्लेम की हेल्प से ये जो वाटर है इसके अंदर ये क्या होने लगेगा, हीट होना स्टार्ट करेगा। हीट होना स्टार्ट करेगा तो बॉइलिंग चालू होगा, और जब बॉइलिंग चालू होगा तो जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हमारी जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होने लगेंगे। तो जब ये लीव्स के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, यहाँ मैंने बताया कि हमको वही सैंपल लेना है, वही प्लांट लेना है जिसके अंदर हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर आप वो कंटेन नहीं लेते हैं प्लांट्स का, वो कूटर नहीं लेते हैं जिसके अंदर वोलेटाइल ऑयल नहीं प्रेजेंट है, तो क्या होगा, आपका वोलेटाइल ऑयल नहीं निकलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा फ्रेश जो भी है वो कूटर यूज़ करना है, सूखा हुआ ड्राई फॉर्म कभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो फ्रेश हमारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनके अंदर हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। तो हमको अपने प्लांट को उसके अकॉर्डिंग चूज करना है कि आप फ्रेशली ही प्लांट को यूज करें। तो आप जब फ्रेश प्लांट लेंगे और उसको जब हम लोग सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में, मीन सॉल्वेंट हमने यहाँ पे वाटर लिया है, तो जब हम आप लोग इसको बॉइल करेंगे इस कॉनिकल फ्लास्क को, तो क्या होगा, यहाँ से जो लीव्स के अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो क्या होने लगेंगे, जैसे ही हीट उनको मिलेगी वैसे ही वोलेटाइल जो ऑयल है वो यहाँ से ये जाने लगेगा। ये जो पाइप बीच में से जो गई है इसमें से क्या होगा, वोलेटाइल ऑयल पास होने लगेगा और जाके ये वाली जो दूसरी पाइप है, राइट, इस पाइप में जाके कलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये पाइप नंबर वन, ये टू और ये थ्री समझने के लिए। तो वन से क्या होगा, हमारी वेपर्स जाएंगी वोलेटाइल ऑयल की, सेकंड से पास होती हुई थर्ड में चली जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा कि
पेप्टाइड कंटेन है वो यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमको ये प्रोसीजर तब तक करना है जब तक कि हम लोग की जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो कम्प्लीटली हमारे जो ड्रग है वो ड्रग उसमें से बाहर ना निकल जाए। तो इस प्रोसीजर को हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि कंप्लीट हमारी जो प्रिंसिपल है वोलेटाइल ऑयल का, वोलेटाइल ऑयल है जो कम्प्लीटली निकल ना जाए। तो हमको ये प्रोसीजर तब तक इसको हीट अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम लोग देखेंगे कि वोलेटाइल ऑयल वेपर्स निकलना स्टॉप हो गया है तो हम लोग हीट को बंद कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो वोलेटाइल ऑयल है ये वाला जो यहाँ पे स्केल बना हुआ था ये स्केल हम देखेंगे। ये स्केल से हम लोग हमारे ये वाले ट्यूब के अंदर कितना वोलेटाइल ऑयल है वो हम लोग मेजर कर लेंगे और यहाँ से नॉक ओपन करके ये कंटेनर में हम लोग यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल को कलेक्ट कर लेंगे और नॉक बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टू ड्रग के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रिविलेजर एपरेटस हम लोग वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये प्रोसीजर आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है अपने लेबोरेटरी के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा कुछ नीड की ज़रूरत नहीं होती है, आपको केवल और केवल एक क्लेविंजर एपरेटस चाहिए होता है, सॉल्वेंट चाहिए होता है। दूसरा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज किसका अरेंजमेंट करना पड़ता है, आपको क्रूड ड्रग का। तो क्रूड ड्रग सबसे पहले क्रूड ड्रग का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमको वही ड्रग लेनी है जिसके अंदर वोलेटाइल ऑयल कंटेन ज़्यादा होता है या फिर फ्रेशली कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल हमको लेनी है। क्योंकि अगर हम लोग फ्रेश कंटेनिंग ड्रग नहीं लेंगे तो हमारा जो वोलेटाइल ऑयल है वो नहीं निकलेगा मैक्सिमम अमाउंट में। तो इसके लिए हमको सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, सबसे पहले हम लोग क्रूड ड्रग को ले लेंगे, ठीक है। क्रूड ड्रग को हमको फ्रेशली लेना है, उसके बाद वो फ्रेशली क्रूड ड्रग को हमको एक कोनिकल के अंदर डालना है विदाउट ड्राइंग विदाउट एनीथिंग, फ्रेशली ड्रग लेनी है और इस कोनिकल के अंदर डालना है। उसके बाद उसको हमको किसके कॉन्टैक्ट में रखना है, सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट आप कोई भी ले सकते हैं जो कि ड्रग के लिए सुटेबल हो, उसका नेचर को देख के हम लोग लेंगे। तो जनरली हम लोग यहाँ पे ऑयल यहाँ पे वाटर यूज कर रहे हैं तो हम लोग वाटर एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे लेंगे। उसके बाद इस कोनिकल को हम लोग अपना जो क्लेविंजर एपरेटस है उसके साथ अरेंज कर देंगे असेंबली को और यहाँ पे हम लोग क्या अरेंज करेंगे, ऊपर में कंडेंसर लगाएंगे ताकि हमारे जो वेपर्स हैं वो कंडेंस आउट होती रहे। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो असेंबली है वो तैयार हो जाता है सबसे पहले। फिर हम क्या करेंगे, पूरी असेंबली को अपने फायर के ऊपर हीट के ऊपर अरेंज कर देते हैं। तो ये पूरा आपका एक असेंबली सेट तैयार हो गया है। उसके बाद हमको क्या करना है, अपनी नॉब को ऑन करना है, यहाँ से हीट मिलेगी कोनिकल को, जो भी ड्रग है उसमें से एक्सट्रैक्शन होना स्टार्ट करेगा, जो वोलेटाइल ऑयल है वो उड़ेगा वेपर्स के फॉर्म में। वो सेकंड ट्यूब से वेपर्स हल्की होती है इसलिए वो सेकंड ट्यूब से क्या होगा, जाके सीधा थर्ड ट्यूब में सेटल डाउन हो जाएगा। जब हमारा ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ हमारा जो नॉब है इससे हम लोग धीरे धीरे इसको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी वेपर्स हैं वो एनवायरनमेंट में उड़े ना, इसलिए हमको तुरंत वेपर्स को निकाल के उसका नॉब को क्लोज कर देना है। और ये पूरी प्रोसीजर हमको तब तक करना है जब तक कि जो भी हम लोग सैंपल ले रहे हैं, सैंपल मतलब कोई भी क्रूड ड्रग ले रहे हैं, उसमें कंप्लीट हम लोग का जो है एक्सट्रैक्शन हमारा जो ड्रग का उसका नहीं हो जाता है, मीन्स उसके अंदर के जो वोलेटाइल प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे के पूरे बाहर नहीं निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो भी क्रूड ड्रग है जो भी आप ले रहे हैं उसको आप लोग विद द हेल्प ऑफ क्लेविंजर एपरेटस आप लोग अपने वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो वोलेटाइल जो ऑयल होता है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं वोलेटाइल्स ऑयल, जो कि बहुत सारी डिजीजेस के ठीक करने में, क्योर करने में, या फिर हम लोग बोले फ्लेवर लाने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वोलेटाइल ऑयल का बहुत बड़ा यूज है। थैंक यू।